हेलो गाइस, एक बार फिर दोबारा हम अपने चैनल पर आए हैं ट्रैवलर व्लॉग। और अभी हम लामा यूरू से निकले हैं और लामा यूरू से अभी लेह है अभी 125 किलोमीटर। देख सकते हो आप, बिल्कुल सूखी पहाड़ी है यहाँ पर, रोड बहुत फर्स्ट क्लास है, एकदम चमकता हुआ रोड एकदम। और ये देखिए नीला आसमान, ऐसा आसमान शायद आपने दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, तो ले आइए घूमने के लिए, अच्छी जगह है घूमने के लिए ले। सोनू भाई अर्थला वाले देख लो आप, कौन गाड़ी है, कौन ग्रुप है, क्या ग्रुप है देख लो आप, ठीक है ना। आपको विश्वास तो होता है नहीं किसी पे, है ना। भाई एक पूरा ग्रुप है ये, ठीक है ना, दिल्ली से ले, ले दिल्ली, वो दो गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, एक ये वाली, एक ब्लैक वाली, और एक ही अपनी ये त्रिपाल वाली गाड़ी खड़ी है, और एक ही अपनी खड़ी है 53। समझ में आई, ये अपना चेहरा भी दिखाऊँ अब, लो देख लो। अब हम जा रहे हैं श्रीनगर, समझ में आई। ये संगम है, संगम पॉइंट, इंदस रिवर मिल रही है, सतलुज मिल रही है। लद्दाख अभी 33 किलोमीटर रह गया है, शायद हम एक घंटे में पहुंच जाएंगे। आगे अभी मैग्नेटिक हिल भी आएगा और गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी आएगा, देखते हैं वहां जाते हैं, पत्थर साहिब में टाइम मिलेगा तो। ये देखिए गाइस, हम मैग्नेटिक हिल पहुंच गए हैं और ये सामने मैग्नेटिक हिल है, लिखा है देखो उस पहाड़ पर मैग्नेटिक हिल। और ये हमारे ग्रुप है बाइकर्स का, जो है इंडियन नेवी। सामने वाली मैग्नेटिक हिल है, गाड़ी ऑटोमेटिक चढ़ती है ऊपर हल्के से चल देने के बाद। ये देखिए ये हमारे राहुल सर हैं फ्रॉम उड़ीसा, और ये हमारे 30 किलोमीटर होटल होगा वो 40। देखिए गाइज, हमारे को थुसुल से आगे खाने के लिए कुछ नहीं मिला और अब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये सुंदो करके जगह है कोई, और यहाँ पर है खाने का, मतलब 100 किलोमीटर दूर आकर खाने का है। तो पोंगिंग लेक से जो आप पैक कराकर ले ला सकते हैं, मतलब पैक कराकर ही लाएंगे क्योंकि 100 किलोमीटर बाद ही खाने का है कुछ, बाकी जो आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। हमने अभी जो ब्रेड आमलेट और मैगी खाई, हमें यही मिलता है, चावल और दाल मिलेगी बस, रोटी सब्जी नहीं है। तो अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है अभी, तो अभी हम देखते हैं सोकर जाकर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा हमें खाने को, और कितना किलोमीटर है देखते हैं अभी हम, शायद 80 किलोमीटर बता रहे हैं, नहीं 60 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं हमें, और ऑक्सीजन लेवल ठीक है। हम ये मैडम बैठी हैं, सब्जी खराब हो रही है, खाना खाया है अभी और सबने 2-2 आमलेट खाए हैं, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, तो देखते हैं। मैंने खुद जो है 1 किलोमीटर में ही खाई है, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। ये देख सकते हो गाइस, मौसम साफ हुआ है और हमने वीडियो बनाई है बिल्कुल नीली झील की। असल में क्या है कि जब लगती है ना, जब पड़ती है इसके ऊपर तो बिल्कुल दिख रही नहीं देती है, अभी दिख रही नीली। ये देखिए आगे मौसम क्लियर है, पहले यहाँ
कोहरा छाया हुआ था, धुंध थी, बादल थे, लेकिन अब बादल साफ हो गए, इसमें से बिल्कुल नीली हो रखी है और क्लियर दिख रही है एकदम साफ। पोंगांग लेक लेक के अंदर अगर हम बोटिंग करेंगे 40 किलोमीटर तो चाइना आ जाता है। 30% हमारे पास है लेक और 70% चाइना वालों के पास है। ये हमारी गाड़ी, ये देखिए गाइस, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, ककसंगला टॉप है ये। जब हम जो है पोंगांग लेक से जो है, वीडियो भी ले लेना, मैं ये कह रहा था जब हम पोंगांग लेक से जब सोकर जाते हैं तब ये टॉप आता है, ककसंगला टॉप, अल्टीट्यूड 17,851 फीट, और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम है। और ये देख सकते हैं अभी हमारे बाइकर्स जो नीचे हैं काफ़ी, और छोटी झील पड़ी थी हमारी, ये देखिए एक दिखाता हूँ आपको, पोंगांग से छोटी है बहुत। अभी हम सोकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी झील है छोटी सी, वो देखने जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या दिखता है। ये हो गया ना, ये देख सकते हो गाइस रेनबो है ये, और हम पोंगांग लेक के बाहर ही खड़े हैं, रेनबो हो रखा है, जो हम कॉपी और किताबों में पढ़ते थे पहले, स्कूल में पढ़ते थे, वो आज रेनबो देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवलर व्लॉग, एक बार फिर आपका दोबारा से स्वागत है। और अब हम पहुँचे हैं खरदुंगला पास, तो ये देखिए हम खरदुंगला टॉप पर हैं, ये देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यह एक वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खरदुंगला और 17,982 फीट। यहाँ पर एक मंदिर भी है शिव जी का, ओम नमः शिवाय लिखा है। और इसके आगे पड़ता है नुब्रा वैली, तो अब नुब्रा जाएंगे हम। हेलो गाइस, नमस्कार, और आप देख सकते हैं हम, हमारा ग्रुप जो है ये जा रहा है, अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ, क्योंकि अब हम जाएंगे ये गुरेज वैली पड़ती है, तो उसके आगे 2 किलोमीटर आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है, अभी हम बात करते हैं। देख सकते हो गाइस सामने हमारे ये सी में जो हमारे पाकिस्तान है पूरा, ये राइट में भी और लेफ्ट में भी जो है सब पाकिस्तान है ये। और ये जो गांव देख रहे हैं आप छोटा सा, ये चोरबन है, ये जो गांव है चोरबन, ये इंडिया का लास्ट गांव है, मतलब तो यहां से आगे जंगल पड़ता है, और जंगल के आगे फिर जो है पाकिस्तान की जो है बॉर्डर होती है, चेक पोस्ट होती है मतलब। हेलो गाइस, ये देखिए अब हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल,
ये पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल है और हमारे जवानों की कड़ी मेहनत की वजह से जो है ये कारगिल की जो चोटियां हैं ये कैप्चर करी गई थी फ्रॉम पाकिस्तान। रोड ही नहीं है।